الحمد لله الحمد لله الذي ابدع الافلاك بل العظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم غني ذو الرؤوف الرحيم منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه الصمدا عجب گاہیش زیرِ آسمہ از غرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید نیجا بمصطفیٰ برساں قیش را کی دین ہما اوست اللہ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد یعنی وہ حرف نخستی دل کی فطرت کا محمد یعنی وہ الزائے توقیات ربانی کہاں کا دشت من دور کیا بلکہ تجلہ کیا یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو شانی یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو شانی وہ امی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ناطق جس کے آگے مہر برر بلبل سدرا سبحان اللہ وہ ناطق جس کے آگے مہر برر بلبل سدرا وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی چلا اور اس طرح گزرا سپہر لاجوردی سے فضا میں تیر جائے جس طرح بجلی کی تابانی فضا میں تیر جائے اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ رہا جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا میں دور بارگاہ رسالت والے رسالت میں تو وہ شریف نظران یقین پیش فرمائے شریف یہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ویسے تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے میں سرکار کی تعریف کے لیے حاضر ہوا ہوں مگر میں اپنی مجبوری بتا دوں کہ میرے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں سرکار کی تعریف کر سکوں معرفت کرا سکوں اس لیے بہت موٹی سی بات ہے
कि तारीफ से पहले मार्फत जरूरी है। आप उसको पहचानेंगे नहीं पहचानवाएंगे क्या? पहली मंजिल तो खुद पहचानने की, और इसीलिए जितनी तारीफ मुकम्मल होती है, जितनी मार्फत मुकम्मल होती है उसकी तारीफ भी वैसी होती है। मार्फत कम तो जाहिर है कि वो क्या तारीफ कर सकेगा। बाप सोचे, नाम तो सभी रखते हैं और नाम का ये मकसद भी नहीं होता, लोग अच्छा नाम तो रखते हैं ताकि नाम के कुछ असरात उसकी जात पर मुरतब हो, मगर ये जरूरी नहीं है कि जो आप नाम रखते हैं किसी का वो उसका मिसदार भी बने। कितने ऐसे हैं कि जिनका नाम उनके बुजुर्गों ने रहमत रखा मगर बाद में वो जहमत साबित हो। कितने हैं जिनका नाम शरीफ रखा जाता मगर शराफत की कोई रमक उनमें नजर नहीं आती। तो बात ये है कि इसमें हमारी मजबूरी कि हम जिसका नाम रखते हैं उसकी सलाहियतों से बेखबर होते, उसके मुस्तकबिल का हमें पता नहीं होता, हम नहीं जानते कि ये आगे क्या होगा। ये तो नाम हमने रखा कि हम ये हमारी अपनी बात, मगर मुस्तकबिल भी इस नाम के नामूस की ये हिफाजत कर सकेगा कि नहीं, ये कुछ पता नहीं। ये हमारी मजबूरी है कि जिसको हम रहमत कहें वो रहमत साबित ना हो, जिसको हम शरीफ कहते हैं वो शरीफ साबित ना हो, जिसको हम अब्दुल हक कहते हैं वो अब्दुल शैतान साबित हो जाए। नाम कुछ नाम रख दिया अब्दुल वहाब, मुस्तकबिल में साबित कर दिया ये अब्दुल तागू, तो नाम रखने वाले का क्या कसूर? वो क्या जाने कि ये नाम वाला मुस्तकबिल में क्या होगा। मगर यकीन जानो अगर खुदा किसी का कुछ नाम रखे, किसी का नाम सलाहियतों का देने वाला नाम रखे तो पहले वो सलाहियत देगा फिर नाम रखेगा। इस बात को आपने समझ लिया तो खुदा ने जिसे मोहम्मद कह दिया उसका बचपना भी मोहम्मद, जवानी भी मोहम्मद, दुनिया भी मोहम्मद, आखिरत भी मोहम्मद। यहाँ नाम रखकर सलाहियतों का इंतजार नहीं किया जाता, सलाहियत दे के नाम रखा जाता है। इसीलिए दोस्तों वो ऐसे मोहम्मद ठहरे कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनके किरदार में कोई ऐब निकाल ना सके। कितना आसान था उनको झुठलाने का, अगर किरदार में कोई खामी होती। इंतहा की बात मैं बताऊं कि कुफार जब रसूल को कुछ नाजेबा कलमात इस्तेमाल करते थे सरकार के लिए तो मोहम्मद कह के नहीं बल्कि एक लफ्ज रखा मुजम्मम। ये नहीं कहा कि मोहम्मद ऐसे, मोहम्मद कह करके काफिरों में भी ये जरूरत ना हुई। इसलिए कि वो समझते थे कि मोहम्मद कहकर के अगर हमने कुछ कहा तो हम खुद ही झूठे होंगे। जो मोहम्मद होगा वो ऐसा कैसा है?
तो उन्होंने मोहम्मद के बजाय मुजम्मम का लफ्ज इख्तरा किया, मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम वैसा है, मुजम्मम कहकर के सहाबा को कुछ तकलीफ हुई। वो समझते थे ये इशारा किधर है। बारगाहे रसूल में आए तो सरकार मुस्कुरा कहते हैं वो तो मुजम्मम को कह रहे हैं, मैं तो मोहम्मद को कह रहा हूं। वो तो जिसको कहते हैं वो कोई मुजम्मम होगा, मैं तो मोहम्मद हूं। जरा साहब देखें। और दोस्तों लुत्फ की बात, मोहम्मद की तारीफ बार बार आपने उलमा से सुना होगा कि मोहम्मद होता है الذي يحمد حمدا بعد حمد محمد وہ ہے جس کی مسلسل حمد کی جائے تعریف کے پیچھے تعریف یعنی اس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے وہ ہے محمد جس کی مسلسل حمد کی جائے। आप जानते हैं बेशुमार हम्द के लिए जरूरी है कि उसके साथ बेशुमार खूबियां भी, इसलिए कि अगर खूबी की हद हो गई तो तारीफ की भी हद हो जाएगी, अगर खूबी कहीं जाकर ठहर गई तो तारीफ का सिलसिला भी वहीं जाकर ठहरेगा। अब तारीफ का सिलसिला ठहरे ही ना, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तो जरूरी क्या है कि उसके अंदर बेशुमार खूबियां हो, यानी उसकी उसकी खूबियों की कोई इंतहा ना हो। देखिए यहां पर एक इल्मी बात की मैं इशारा करूं, जब आप कहते हैं इंतहा नहीं, तो इंतहा नहीं का मतलब क्या है? मखलूक का कोई कमाल ऐसा नहीं है जिसकी इंतहा ना, ये तो खालिक की सिफात कि ना इब्तिदा ना इंतहा, ये तो खालिक की शान है जिसकी इंतहा ना हो। मखलूक की तो कोई ना कोई इंतहा होगी, हमारे इल्म में ना सही, किसी और के इल्म, किसी के इल्म में ना सही तो खुदा के इल्म में, तो इंतहा तो मुतय्यन, और उस इंतहा से आप इनकार भी नहीं कर सकते। तो जब इंतहा मुतय्यन तो तारीफ का सिलसिला भी नहीं खास, तो यहां कहते इंतहा नहीं, इंतहा नहीं, ये क्या मतलब? इंतहा तो हर एक चीज की होती है। तो मैं बताऊं इंतहा का तो एक माना वो है जिसकी रोशनी में ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद कुछ ना हो, इंतहा तो ऐसी तो किसी की इंतहा नहीं। ये तो सिर्फ कला खुदा की शान है किसी कोई इंतहा हो, सभी की इंतहा कोई ना कोई मंजिल है, मगर एक इंतहा का मानना और है। जब कहते इसकी कोई इंतहा नहीं, इसकी कोई इंतहा नहीं, उसका एक माना, इंतहा का एक माना तो आप वो समझते हैं जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, मगर एक माना और भी है, उसको इल्मी जुबान में कहते हैं ला तक़फ़ु इल्ला हद्दिन। वो इंतहा वाली तो होती है मगर किसी हद पे ठहराव नहीं होता। आप भी समझ रहे हैं, मैं ऐसी बात समझाऊं जो किसी में आदात को आप जाते आदात 1 2 3 4 5 6 7 समझा, 8 10 11 12 तो आदात की इंतहा तो होगी ना। अब कोई ऐसी इंतहा बताओ जिस पर इजाफा ना हो सके। ये तो आप किस वजह से इधर आपने कहा 10, एक और बढ़ गया, बढ़ता है तो इंतहा तो बनती है, मगर ऐसी इंतहा नहीं बनती जिस पर इजाफा मुमकिन ना हो।
तो जब कहते हैं कि इनकी कोई इंतहा नहीं, तो मतलब ये कि इनका कमाल बढ़ता जाता, कोई ऐसी मंजिल नहीं आती कि कमाल का इजाफा ना हो, कोई ऐसी मंजिल नहीं आती कि कमाल का इजाफा ना हो सके, बढ़ता रहता। ये मुतय्यन करना ही मुश्किल कौन है कि मंजिल क्या। आपने कहा ये 100, मैंने एक और बढ़ा दिया, 101 हो गया। आप 200 पढ़े, हमने उस पर एक बढ़ा दिया, करोड़ों आपने लिए, गिनती बढ़ाने भी क्या, हम तो बढ़ाते ही चले जाएंगे, शायद उसका नाम आप ना ले सको, संघ महासंघ के आगे चाहे आप उसका नाम ना ले सके, मगर हम तो बढ़ाते रहेंगे, हम तो बढ़ाते रहेंगे। तो कोई हद गिनती की नहीं है ना, जो मौजूद हो गया वो उसकी हद बन गई, जिसको आपने गिन लिया, जो मौजूद हो गया उसकी हद बन गई, एक अदद और बढ़ गया, वो मौजूद हो, वो आखिरी हद तक पहुंच रहा हो, एक अदद और बढ़ता चला गया, यह किस्सा है। तो ये महबूब वो है जो बढ़ा और बढ़ता ही चला गया, जो उठा और उठता ही चला गया, जो चमका और चमका ही चमकता चला गया, यहां तक कि धना फतत अल्लाह फकाना काबा कौसैन वबदरा, और वहां पहुंच करके भी इंतहा नहीं, कमाल की इंतहा नहीं होती। तो हुजूर के कमाल की इंतहा नहीं, वो इस माना का कोई ऐसी मंजिल नहीं जिसमें मार्फत की कोई दर्जे बढ़ते ना हो। ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितना सरकार बढ़ेंगे, बताना बहुत मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए, मैं तकरीर कर रहा हूं कब तक करूंगा, है कि बता रहा मैंने कई घंटे तकरीर की, कितने घंटे की, आपने अभी तो चालू हो, पहले जब खत्म तो दरमियान में आखिरी मंजिल नहीं बताई जाती, पहले खत्म करके आप मिंबर से उतर तो मैं बता दूंगा इतने बंदे किए, मगर जब तक मिंबर पर है और जब तक तकरीर का सिलसिला है, इंतहा बताने की किसी में जुरत भी नहीं है, न कोई बता सकता है। तो अब जब सरकार मार्फत के दर्जा तय ही कर रहे हैं और सफर खत्म ही नहीं हो रहा, तो सरकार की आपकी मंजिल कौन बताएगा, अभी तो सफर चालू है, पहले सफर खत्म तो हो और कयामत तक खत्म नहीं होगा, तो कोई बताने वाला ही नहीं। ला तक इंतहदीन, कोई ऐसी हद है ही नहीं जिसके ऊपर कमाल का कोई दर्जा ना हो। ये हम्द का लग है ना, जिसकी मुसलसल हम्द की जाए, ये भी आपने बोल के ये हम्द क्या चीज है, अल्लाह। तुमने उर्दू जुबान का अजीब हाल है, एक ही लफ्ज से बहुत काम ले लेते, उर्दू जुबान वाले से पूछो हम्द के माना तारीफ, मजह का माना तारीफ, नत के माना तारीफ, मनकबत के माना तारीफ, सना के माना तारीफ, वस्फ के माना तारीफ, एक लफ्ज तारीफ की बेचारगी देखिए, मगर अरबी जुबान में हम्द और है, मदह और है, मनकबत और है, सना और, हाँ एक ही लफ्ज बता दिएगा कि हम क्या, जैसे हम क्या, हम हम्द के लिए खड़े, आप समझ के हम क्या कर रहे हैं, हमने हम नाथ शरीफ सुनाएंगे, आप समझिए कि हम क्या कह रहे हैं, हम मनकबत के लिए हाजिर हो गए, समझिए कि हम क्या कह रहे हैं, मालूम हुआ आपको उर्दू में तो एक ही लफ्ज है, हर जगह उसी को लगा रहे कायदोबंद के साथ। इस तारीख को ये कहेंगे, उस तारीख को वो कहेंगे, इस तारीख को कायदोबंद आप लगा देते हैं, मगर वही एक लफ्ज तारीफ है। मगर दोस्तों हम्द क्या चीज है, हुवा सना व बिल जमील लफ्ज़ अख्तियारी खूबियों पर तारीफ करने का नाम हम। अब इन्हीं से समझ में आया कि खूबियां दो किस्म की होती, एक खूबी अख्तियारी
और एक खूबी गैर अख्तियार जिसमें आपको अख्तियार ना हो, और एक खूबी वो जिसमें आपका अख्तियार यानी आपकी कसब का भी दखल हो। मिसाल के तौर पर सूरज और चांद के पास जो खूबी है वो उसके अख्तियार की नहीं। सूरज को चमकने ही पड़ेगा चाहे वो चाहे या ना चाहे। सूरज कितना भी इरादा करे हम नहीं चमकेंगे मगर उसे चमक नहीं। चांद को चांदनी देना ही पड़ेगा चाहे उसकी मर्जी हो या ना। फूल को महकना ही पड़ेगा, मोती को चमकना ही पड़ेगा, दरिया को बहना ही पड़ेगा, आबशार को नगमे बिखेरना ही पड़ेगा। देखा आपने क्यों? ये सब जो खूबियां हैं ये इसके अख्तियार की नहीं। आपके अंदर जो कुछ खूबियां अख्तियार की है कुछ गैर अख्तियारी। मिसाल के तौर पर कादो कामत ये आपके अख्तियार का नहीं। खुदा ने जिस साइज का बना दिया ना आपको दबा सकते हैं ना उठा सकते हैं। ये आपके अख्तियारी कर दी, ये आपके अख्तियार कर दी। ना को नक्शा जो आपको बना दिया खुदा ने उसमें आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते। नाक टेढ़ी तो सीधी नहीं हो सकती, चेहरे का रंग कुछ और है दूसरा रंग नहीं हो सकता। ये आपके अख्तियार की बात नहीं, ये सब आपकी गैर अख्तियारी चीजें। शक्लो शबाहत कादो कामत नाको नक्शा ये आपके अख्तियार से बात नहीं। मगर कुछ खूबियां आपके अंदर है जिसमें कुछ आपके अख्तियार का भी दखल है, जैसे इल्म फन हुनर, इसमें आपकी भी मेहनत का दखल है। आप चाहे तो आलिम बने ना चाहे तो नहीं बन सकते। आप चाहे तो हाफिज कुरान, आप चाहे तो कारी, आप चाहे तो फनकार, आप चाहे तो खुश नदी। कहने का मतलब ये कि इसमें आपके अख्तियार का दखल है, ये अख्तियारी खूबी होती। आप ख्याल करें अब अख्तियारी खूबी और गैर अख्तियारी खूबी में एक फर्क है। वो क्या है नतीजे के लिहाज से कि अगर आपने किसी की गैर अख्तियारी खूबी की तारीफ की तो ये खुदा की तारीफ है। इसलिए कि खुदा ने जैसा बनाया। अब आप किसी के कदो कामत की तारीफ करते हैं तो ये खुदा की तारीफ, इसलिए कि ये उसके अख्तियारी है। और अगर किसी की गैर अख्तियारी खूबियों की आप बुराई करें तो ये खुदा की बुराई। क्यों? कि जिस चीज की आप बुराई कर रहे हैं ये उसकी अपनी चीज नहीं है, खुदा ने जैसे बना दिया, खुदा की मखलूक अपनी मर्जी से बना दिया। तो अब अगर आप बुराई कर रहे हैं तो खुदा की बुराई बनती है, और तारीफ कर रहे हैं तो खुदा की तारीफ बनती है। मगर अख्तियारी खूबी में ये बात नहीं होता, ये बात नहीं होती। क्या हम किसी के इल्म की बुराई करें तो ये उसी की बुराई होगी, इसलिए कि इल्म हासिल करना इसके अख्तियार में था, इसने हासिल नहीं किया, ये इसकी कमी है, ये खुदा की कमी नहीं। यानी जो चीज हासिल आप कर सकते हो वो उसमें आप में नक्स हुई, इसका फन नाकिस है, इसका इल्म थोड़ा, इसका हिफ्ज सही नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो आपके अख्तियार की और आपने उसमें मेहनत नहीं की, तो अगर हम इसकी बुराई करते हैं तो ये बुराई आप ही की तरफ लौटेगी, और अच्छाई अगर बयान करते तो इस अच्छाई का भी हिस्सा आपको मिलता कि आपने मेहनत किया। इस चीज को आपने समझ लिया कि गैर अख्तियारी खूबी की तारीफ खुदा की तारीफ, उसकी बुराई खुदा करे, और अख्तियारी जो खूबियां हैं उसकी तारीफ खुद खूबी वाले की भी तारीफ बनती है, और उसकी बुराई ये खुद उस खूबी वाले की बुराई बनती है। अब यहां आकर आप देखें हुस्नाउल जमील अख्तियारी, हम तो कहते किसे हैं अख्तियारी खूबियों की कसरत, अख्तियारी खूबियों पर किसी की तारीफ करना ये हमदर्द।
اب محمد جو ہوگا جس کی مسلسل تعریف کی جائے, جس کا مطلب اس کے اندر اختیاری خوبیاں اتنی ہوں کہ جس کی انتہا نہ ہو. بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. میں تو کہتا ہوں جس کا نام محمد ہے اس کے نام ہی سے اختیار برس رہا نبی. مگر ذرا دیکھیے دوسروں میں جو چیز اختیاری ہے, جو لطف کی بات یعنی علم حاصل کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات, فن حاصل کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات, اپنے کیریکٹر کو اچھا بنانا یہ ہمارے اختیار کی بات, تو یہ سب اختیار خوبیاں ہیں. مگر وہ خوبیوں چیزیں جو ہمارے لیے اختیاری ہیں نبی کے لیے خدا نے ان صفات کو بھی غیر اختیاری بنا دیا, ان صفات کو بھی غیر اختیاری بنا دیا. آپ نہیں سمجھے ابھی کہ ہم کہاں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. جو چیز ہمارے لیے اختیاری ہے اس کو خدا نے نبی کے لیے غیر اختیاری بنا دیا. یعنی اے محبوب علم تو لوگ سیکھتے ہیں, تو نے نہیں سیکھا, ہم نے سکھایا. لوگ خود بلند ہو گئے مگر تو نہیں بلند ہوا, بڑا مارنا لگا دکھایا. لوگ نعمتیں تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں مگر تو نہیں گیا. خاموش کر دیا نبی, اب تجھ سے وہ نہیں جھگڑ رہا, وہ تو مجھ سے جھگڑ رہا ہے. وہ مجھ سے لڑ رہا, میں دیتا جا رہا ہوں, اسے اعتراض ہو رہا ہے. دینے والا دے رہا ہے جو دینے کی قدرت رکھتا ہے, اور لینے والا لے رہا ہے جو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. تمام کسے ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد اسی لیے آپ دیکھیں, چونکہ ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا محمد رسول اللہ. آپ دیکھیں کیا حضرت نوح رسول نہیں تھے, کیا حضرت داؤد رسول نہیں تھے, کیا حضرت ابراہیم رسول نہیں تھے, تو سب کو رسول اللہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ آدمی حضور کے نام کے ساتھ تو رسول اللہ کا لگایا, بلکہ حضور کے کلمے کا جز ہی رسول اللہ کہنا پڑتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حضرت آدم کے جو ماننے والے تھے ان کا کلمہ جانتے ہو کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. ابراہیم کے کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت موسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلیم اللہ. اور رسول عربی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اگر کچھ اور نہ دیکھا جائے, دوسرے دلائل
قرآن و حدیث کے دوسرے ارشادات نہ دیکھے جائیں اور صرف کلمے پر کوئی فیصلہ کیا جائے, صرف کلمہ سن کر کے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے اس گروہ میں رسول ایک ہی ہے. محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. اس میں جو میں نے سمجھا کچھ رات ایسا ہے کہ ہر نبی کے اندر جو وصف چمکتا ہوا وہی اس کے کلمے کا جسم. ہر نبی کے اندر حضرت آدم کی صفا چمکی تو سیفی اللہ کلمے کا جسم, حضرت نوح کے دامن سے نجا وابستہ ہوئی نجی اللہ ان کا خطاب ہو گیا, شرف ہم کلامی حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ خطاب ہو گیا, حضرت عیسیٰ کے دم مسیحائی نے روح اللہ خطاب دے دیا. جو وصف چمکتا ہوا تھا اس کو اس نبی کے تمام اس کے اوصاف میں جو سب سے زیادہ نمایاں وصف تھا چمک رہا تھا اس کو اس نبی کا کلمہ بنا دیا, مگر محبوب کی بارگاہ میں تو سارے وصف چمک رہے تھے, کوئی وصف ایسا تھا ہی نہیں جو کسی سے کم ہو. ایک بات اور یہاں پر سمجھنے کی ہے, دیکھیے رسول کے امتی بھی وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور صحیح مانتے ہیں جو پہلے نبیوں کا کلمہ تھا. کیا ہم نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ پڑھتے ہیں کوئی حل نہیں, ہم جب چاہیں وظیفہ کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. کلمہ پڑھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا ہم کے امتی, کلمہ پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا امتی بھی پڑھے غیر امتی بھی پڑھے دونوں کے لیے بات صحیح ہے. کلمہ پڑھنے سے تو اے رسول ہم تجھے وہ کلمہ دیں گے جو پڑھے امتی نہ نارائے, جو پڑھے امتی نہ نارائے, چاہے امتی پڑھے چاہے نبی پڑھے. اور بات بھی ہے جناب, اسی لیے سرکار محمد اور اس کے بعد صرف محمد ہی نہیں تھے, محمد وہ ہے جس کی بے شمار تعریف کی جائے, وہ احمد بھی, احمد وہ ہے جو بے شمار حمد کرے, محمد وہ ہے جس کی بے شمار حمد کی جائے, اور احمد وہ ہے جو بے شمار حمد کرے. بس ٹھہر کر آپ کو لے جاؤں گا تاکہ آپ کسی مغالطے میں نہ پڑے. تو ایک لفظ ہے محمد میم پر زبر, اور ایک لفظ ہے محمد میم پہ زیر. تو محمد کے معنی کیا؟ جس کی بے شمار تعریف کی جائے وہ ہے محمد, اور جو بے شمار تعریف کرنے والا ہو وہ ہے محمد. جو بے شمار تعریف کرے وہ کیا ہے؟ محمد, اور جس کی بے شمار تعریف کی جائے وہ کیا ہے؟ محمد. تو سوال یہ ہے کہ جب رسول محمد ہے
تو محمد کو جب ان کی بے شمار تعریف کی گئی تو وہ تعریف کرنے والا کون ہے؟ وہ تعریف کرنے والا کون ہے جس کی تعریف بے شمار ہو؟ ہم لوگ تو حدوں میں بندھے ہوئے ہیں, ہماری تعریف کیا بے شمار ہوتے؟ بے شمار تعریف اسی کی ہے جس نے پیدا کیا ہے. اس لیے مجھے کیا, جس نے پیدا کیا ہے اس کو جو معرفت ہوگی وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتی, تو اس کی تعریف جتنی صحیح ہوگی وہ دوسروں کی وہ تعریف صحیح نہیں ہوگی. تو بے شمار تعریف کرنے والا ہے خدا, اور جس کی بے شمار تعریف کی گئی وہ ہے مصطفیٰ. ابھی وجود ہی میں نہیں آیا. میں کہوں رسول کی تعریف کب سے شروع ہوئی؟ خدا نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ, نور محمدی پیدا ہو گیا. نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ, جلوہ وحدت سے فنا ہو گیا. پھر خدا نے ارشاد محمد الرسول اللہ, پھر نور محمدی جلوہ گر ہو گیا. نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ, پھر فنا ہو گیا. یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے ارشادات کی روشنی میں بات عرض کر رہا ہوں. دیکھا آپ نے, تو خدا نے جب محمد الرسول اللہ کہا تو اس وقت نور مصطفیٰ نہیں تھا نا, بعد میں ہوا, بعد میں ہوا, ہونے کے بعد. اب اس نے خدا کی تعریف کی تو پہلے مصطفیٰ کی تعریف شروع ہوئی یا خدا کی؟ پہلے مصطفیٰ کی تعریف شروع ہوئی. سب سے پہلے مصطفیٰ کی تعریف ہوئی نا خدا کی زبان. خدا نے اپنی تعریف کتنی بھی کی وہ الگ چیز, مگر اپنے مخلوق میں سب سے پہلی تعریف مصطفیٰ کی نہیں, پہلے محمد کہا, پہلے محمد کہا. اچھا ہوا کہ ہمیں بھی تعریف کا سلیقہ مل گیا, سمجھو ہمیں بھی پتا چل گیا کہ خدا نے کیا کہا محمد الرسول اللہ, اور رسول اللہ نے کیا کہا لا الہ الا اللہ. تو محمد الرسول اللہ کہنا یہ خدا کا ذکر, محمد الرسول اللہ یہ خدا کا کلام, محمد الرسول اللہ یہ خدا کا ارشاد, محمد الرسول اللہ یہ خدا کی دعوت, اور لا الہ الا اللہ یہ مصطفیٰ کا قول, لا الہ الا اللہ یہ مصطفیٰ کا کلام, لا الہ الا اللہ یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. تو لا الہ الا اللہ ذکر ہے, محمد الرسول اللہ ذاکر ہے, لا الہ الا اللہ ہدایت ہے, محمد الرسول اللہ ہادی ہے, لا الہ الا اللہ ارشاد ہے, محمد الرسول اللہ مرشد ہے, لا الہ الا اللہ دعوت ہے, محمد الرسول اللہ داعی ہے. تو لا الہ الا اللہ کہو گے تو سنت مصطفیٰ ادا ہوگی, لا الہ الا اللہ کہو گے تو سنت مصطفیٰ ادا ہوگی, اور محمد الرسول اللہ کہو گے تو سنت کبریا ادا ہوگی, محمد الرسول اللہ کہو گے تو سنت کبریا ادا ہوگی. اب کلمے کی ترتیب بھی سمجھ میں آ گئی, پہلے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, پھر محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, پہلے مصطفیٰ کی سنت پھر کبریا کی سنت, پہلے مصطفیٰ کی سنت پھر کبریا کی سنت. ہاں تو بات یہ تھا کہ رسول جب محمد ہے تو خدا محمد ہے, خدا محمد ہے بے شمار تعریف کرنے والا, اور رسول بھی تو بے شمار تعریف کر رہے ہیں, وہ کس کی کر رہے ہیں؟ رسول اپنے خدا کی تعریف کر رہے ہیں بے شمار, اور رسول کی تعریف اس لیے بھی کامل کی معرفت ان کی کامل. تو رسول تعریف کر رہے ہیں, تو جس وقت رسول تعریف کر, تو رسول کیا ہوئے؟ محمد. رسول کیا ہوئے؟ بے شمار تعریف کرنے والے. اور خدا کیا ہوا؟
इसकी जो शुमार तारीफ की जाए तो मतलब ये है कि रसूल का मोहम्मद वो है, अल्लाह के मोहम्मद ये वैसे बेशुमार तारीफ करने वालों को अहमद भी कहते हैं। और सरकार ने खुद अपनी तारीफ की, अनाहद फिल अर्श व अहमद फिल समा व मुहम्मद फिल अर्श व महमूद फिल सम। जब अर्श पर था तो शान अहदियत लिए हुए, आसमान पर आया तो अहमद हो गया, जमीन पर आया तो मोहम्मद हो गया, और जमीन से जब उठूंगा तो महमूद रहूंगा, जमीन से जब उठूंगा तो महमूद रहूंगा। आसमान पर जितनी मखलूक है वो सब तारीफ करने वाली, खुदा की हमद करने वाली मखलूक है ना फरिश्ते, तो तारीफ करने वालों में जब हुजूर पहुंचे तो अहमद हुई, सबसे ज्यादा तारीफ। तारीफ तो सभी ने की ना, अच्छे जिब्रील ने भी की, मगर उन्हें अहमद नहीं कहा था, अच्छे मीकाईल अहमद नहीं बने, अच्छे इस्राफील अहमद नहीं बने। सारे मलाइका तारीफ कर रहे हैं, अहमद नहीं बने। हज़रत आदम ने भी बेशुमार तारीफ की होगी, अहमद नहीं कहे गए। हज़रत कलीम की भी तारीफ में कोई कमी नहीं थी, अहमद नहीं बोले गए। हज़रत इब्राहिम की भी तारीफ में कोई नफ़ नहीं, अहमद नहीं बोले गए। ये लफ्ज़ तो किसी ऐसे के लिए रख दिया गया था जिसकी तारीफ से बढ़कर किसी की तारीफ ना हो, जिसकी हम्द से बढ़कर किसी की हम्द ना हो, और वाकई उसकी हम्द से बढ़कर किसी की हम्द क्या, इसलिए उसकी मार्फत कामिल, जिसकी मार्फत कामिल होती। और बात भी है, दूसरे अंबिया ने खुदा की तारीफ की सुन करके इल्म के बलबूते पर, और रसूल ने तारीफ की देख करके। तो देखी हुई तारीफ बहुत है, सुनी हुई तारीफ, देख के तारीफ करना हो, सुन के तारीफ करना हो। इसीलिए ऐसी कामिल कि मैं तो उसके नक्शे देखता हूँ। खुदा की बात करने आते हो कि नहीं, खुदा की तारीफ के लिए जब आप आते हैं तो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, बैठते हैं। इसकी जरूरत क्या, क्या जरूरत खुदा की तारीफ करने के लिए उठक पटक की क्या जरूरत। अरे सजदे में जाओ, सब पढ़ लो एक ही सांस में, तारीफ ही तो करना है। क्या बात, इसके लिए ये कैसा उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। और दूसरी बात, और एक पाबंदी आप पर, अरबी ही में पढ़ना। सारी दुनिया में कोई जुबान बोल, यहाँ वही समझा, खुदा क्या और जुबान नहीं समझता क्या, ये अरबी क्यों शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि काबे के अवलोक करना कहीं और नहीं, क्यों अल्लाह की रहमत तो हर तरफ है, काबा ही क्यों, इधर चाहो चेहरा कर लो, नहीं इधर ही करना, आपकी क्या मामला है, इबादत में इतनी पाबंदी क्यों। तो दोस्तों पाबंदी नहीं, इसमें एक रास की बात है। रब तबारक व तआला गोया अपने महबूब को मुखातब करके कहता है, महबूब बंदों से कह दो कि वो मुझे जिस जुबान में चाहे याद करें, याद करने की जरूरत भी नहीं, सोच भी ले तो मैं देखता हूँ, ख्याल भी कर ले तो मैं जानता हूँ, मुझे जुबान की पाबंदी नहीं किसी के ख्याल को समझने के लिए, जिस जुबान में चाहे पांच वक्त उस जुबान में मुझे याद करे जो तेरी जुबान, महबूब की जुबान बोलो, चाहे समझो चाहे ना समझो, नहीं समझते मत समझो, तू नहीं समझता, जिसकी इबादत करा वो तो समझ रहा है, ये इबादत तेरा समझाने के लिए नहीं है, बस महबूब की बोली बोल, बस महबूब की बोली बोल, बे समझे वो समझे, तो प्यारा हो जाएगा। और किसी का
दस रुक करके मुझे याद करो, लेट के उठ के बैठ के टहल के फिर के कैसे पांच बस ऐसे याद करो, इधर महबूब ने चेहरा किया, कम से कम पांच वक्त उधर चेहरा करके मुझे याद करो, सुनो कैसे भी याद करो मगर पांच वक्त ऐसे, कभी खड़े हो जाओ कभी रुकू में जाओ सजदे में जाओ बैठ जाओ, तुम नहीं जानते जब तुम खड़े होते हो तो रहमत की अलिफ नजर आते हो, जब तुम खड़े होते हो तो रहमत की हलिफ नजर आते हो, जब रुकू में जाते हो तो रहमत की हे बन जाते हो, जब सजदे में जाते हो तो रहमत की मीम बन जाते हो, और जब बैठते हो तो रहमत की दाल बन जाते हो, तो मैं चाहता ये हूँ इबादत मेरी हो तस्वीर रहमत की। जलसा धार नक्शा नमाजी यू नमाजे इश्क की खींचा करे, नक्शा नमाजी यू नमाजे इश्क की खींचा करे, तो रसूल की हम इतनी मकबूल कि रसूल की अदाओं को हम बना दो, रसूल की अदाएं ही हम दे इलाही बन गई। मैं अहमद आसमान पर एक चीज में सोच रहा था, ये क्या मामला, ठीक है हम किया अहमद है कुछ भी हो, मगर आसमान में हुजूर को अहमद कहा जाता है, यहाँ मोहम्मद कहा जाता है, और कयामत में महमूद कहा जाएगा। पहले मोहम्मद और महमूद के फर्क को समझो, मोहम्मद वो है जिसकी कुछ तारीफ करने वाले हो तो कुछ बुराई करने वाले भी, मोहम्मद वो है जिस पर कुछ दुरूद पढ़ने वाले हों तो कुछ कांटा बिछाने वाले भी हों, मोहम्मद वो है जिस पर कोई जान छिड़कने वाले भी हों तो जान लेने का इरादा करने वाले भी हों, मोहम्मद वो है और महमूद वो है जिसकी सभी तारीफ, चाहे वो कांटा बिछाने वाला हो चाहे वो गाली देने वाला हो चाहे वो पत्थर बरसाने वाला हो, तो शाने महमूदियत वहां जाहिर होगी और सारे मोहम्मदियत यहां आई। तो फिर भी जहां गए अलग अलग नाम लग गए। मैंने तो देखा हजरत कलीम को यहां रहे तो मूसा, कोहे तूर पर पहुंचे तो मूसा, आजकल आलम बरदख में है तो मूसा, आसमान पे पहुंचे तो मूसा, जन्नत में जाएंगे तो मूसा, बैतुल मुकद्दस में तो मूसा, यही हाल हजरत ईसा का, जमीन में थे तो ईसा, आसमान पर है तो ईसा, उतरेंगे तो ईसा, आखिरत में जाएंगे तो ईसा, जन्नत में जाएंगे तो ईसा, यही हाल हजरत इब्राहिम का है, जहां पहुंचे वहां इब्राहिम, कोई दूसरा नहीं, क्या बात है, ये अर्श पे हो तो अहद हो, आसमान पर हो तो अहमद हो, जमीन पर हो तो मोहम्मद हो, आखिरत में हो तो महमूद हो, तो बात ये है जो एक इलाके एक कौम एक जमाने का नबी एक जगह का नबी उसको सिर्फ एक नाम दिया जाएगा, जो एक जगह का नबी उसको सिर्फ एक नाम दिया जाएगा, आलम शहादत का जो तन्हा नबी एक कौम का नबी उसको इसी आलम शहादत का नाम दिया जाएगा, मगर जो आलम शहादत का भी नबी हो, आलम गैब का भी नबी हो, आलम बरज़ख का भी नबी हो, जन्नत का भी नबी हो, दुनिया का भी नबी हो, वो जहाँ जाएगा नए नाम के साथ जाएगा, हम करने वालों में अहमद होगा, जमीन में आएगा तो मोहम्मद होगा। इसीलिए हम आपको बताते हैं रसूल चूंकि सारी कायनात के नबी थे तो अंदाज भी अलग अलग था। देखो हजरत ईसा के बारे में मशहूर है ना, मुर्दों को जिंदा कर दो, मुर्दों को जिंदा फरमाते थे, बहुत बड़ा एजाज, वो कैसे जिंदा करते थे, कौम बिस्मिल्लाह और जाओ अल्लाह के हुक्म से, मुर्दा आ जाता उसको बुलाते नहीं थे, इधर आओ नाम नहीं बुलाते ना, ये फलान करो ये खाली इधर नहीं बुला, बल्कि क्या काम में इसने लॉ, और रसूल ने भी मुर्दे को जिंदा किया, मगर ये नहीं कहा कौन बेजी निंदा, अल्लाह के हुक्म से उठ जाने। एक शख्स आया
और आने के बाद ये कहा, हुजूर हम आपको नबी मान लेते हैं, आप हमारी बेटी को जिंदा करो, चलो ले चलो। कब्र के पास पहुंचे तो वहां भी कह सकते थे कोमी बेच दे, अल्लाह के नाम से उड़ जाओ, नहीं कहा, उसका नाम लेके पुकारा, उसका नाम लेकर पुकारा तो वो लब्बैक व सादैक या रसूलुल्लाह करके निकल पड़ा। नाम लेना था, सारी रुकावटें हट गई, कब्र की सारी रुकावटें हट गई, वो लब्बैक व सादैक करके हाजिर हो गई। फिर हुजूर ने पूछा, एक बात बताओ, यही रहना चाहती हो फिर वहां जाना चाहती हो? ये वही कह सकता है जो रोक भी सके भेज भी सके। उसके बाद फिर क्या, उसने कहा नहीं, हमने अपने खुदा को बड़ा रहीम और करीम पाया, हम वही रहना चाहते, वापस हो गए। वाकया तो यही था, मगर आप सोचो, कहते मसीह जिंदा करते थे, कहते कुम बेज निल्ला और सकात जिनके नाम लेते जैसे किसी को बुला रहे। फर्क यह है कि मुर्दे को जिंदा करने का मतलब यह है कि आलम बरज़ख वाले को आलम शहादत में बुलाया जाए। अस्ते ईसा आलम शहादत के रसूल थे, आलम बरज़ख के रसूल नहीं थे, आलम बरज़ख के रसूल नहीं थे। इनके बुलाने पर उनका आना जरूरी नहीं था, इनके बुलाने पर उनका आना जरूरी नहीं था, इसीलिए अल्लाह का हवाला दिया ताकि वो जिंदा हो जाए, ताकि مسلسل تاریخ میں ذرا سا اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ رسول کو کامل و مکمل بنایا، مکمل تاریخ۔ کہیں کوئی آپ پوچھیں ایسا کیوں کیا، تو یہ سوال تو غلط، خدا کے بارے میں یہ پوچھنا کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، تو بندہ ہے، بندہ ہے، لا یسأل عما یفعل، تم کو حق نہیں کہ یہ پوچھو خدا نے ایسا کیوں کیا۔ اگر تمہیں پوچھنے کا شوق ہی ہے نا تو ایک بات پوچھ لیا، اے خدا تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، اس سوال کا جواب بھی ملے گا وہ تیرے لیے فائدے مند ہوں گے۔ اور اس چکر میں کیوں ہے جی، یہ کیوں ہے، وہ کیوں، اپنے بارے میں پوچھ، اپنے بارے میں پوچھ کہ مجھے کیوں پیدا۔ دوستو بات یہ کہ آپ رب کو قادر مطلق تو مانتے ہیں، سبحان اللہ، اور کائنات کی ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں۔ پہلے میں مثال دوں تاکہ بات قریب ہو جائیں گے، کسی مصور کے کمال کا پتا کیسے لگتا، جو اپنی حمد کرانی ہے نا اور اپنے کو باکمال بتانا ہے تو بھی تو سمجھانا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کتنا کمال والا میں ہوں۔ ایک بات بتاؤ، دو مصور دونوں نے تصویریں بنائی، اب تصویریں بنا کر کے اپنے کمرے میں لگا دیا، 10 تصویریں لگا دی، مثلا 10 10 اس نے اپنے کمرے میں لگا دیا، اس نے اپنے، اب ایک بڑا فنکار آیا جو فن مصوری کو خوب جانتا تھا، اب وہ ایک مصور کے پاس گیا، اس کے کمرے میں دیکھا
इस तस्वीर में कोई कमी, इसमें भी कमी, इसमें भी कमी, इसमें भी कमी, दसों में कमी उसे नजर आई। अब जो बाहर निकला, हमने पूछा कैसा है मुसव्विर, कैसा? कहा उसके फन में कुछ कमी है, कोई भी उसकी तस्वीर कामिल नहीं है, कुछ कमी। मगर तस्वीरों से अगर हम उसे समझना चाहें तो कमाल समझ में नहीं आता। ये कहते वो दूसरे कमरे में चला गया, वहां देखता ये तस्वीर नाकिस, ये नाकिस, ये नाकिस, नौ तो नाकिस, दसवीं बिल्कुल कामिल। अब फिर निकला, कहा क्या मामला? कहा ये मुसव्विर तो बहुत कामिल है, अगरचे नौ तस्वीरें इसकी भी नाकिस हैं, कुछ कमी है, मगर दसवीं का कमाल बता रहा है कि उसमें नक्स जो रखा है किसी मसले से रखा, अगर वो नाकिस होता तो ये दसवीं कामिल कैसे होती? अगर वो नाकिस होता तो ये दसवीं कामिल कैसे होती? तो एक कामिल तस्वीर की जरूरत है खुदा के कमाल को समझाने के लिए। जरा सा सोचो, अब मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं अपनी सोच के मुताबिक खुदा ने बड़ी नेमतें दी, मगर हर नेमत में अगर रहमत का पहलू है तो जहमत का भी पहलू। कौन कहता है कि आग रहमत नहीं, मगर जब मीना में आग लगी थी तब इस रहमत से लोग ऐसा भाग रहे थे कि जहमत में पड़ रहे थे। देखा, तो रहमत के साथ जहमत का भी पहलू होता है कि नहीं? कौन कहता है कि पानी रहमत नहीं है, मगर कहीं सैलाब आ जाए, आबादियां बहने लगे तो फिर कितनी बड़ी सहमत? कौन कहता है कि बिरयानी अच्छी दशा नहीं, मगर अगर पेट भर खा लो उसके बाद खाओ क्या कितनी बड़ी सहमत? कौन कहता है कि पत्थरों से फायदा नहीं, किसी दीवाने के हाथ में देख के देखो कितने फायदे मिलते हैं। हर तस्वीर को देखा। अब अगर कोई दहरिया खुदा का मुनकिर ये इतराज कर दे कि खुदा का वजूद नहीं है, और अगर है तो उसका फन कामिल नहीं है, हर चीज में नक्स, हर चीज में कमी, तो जिनके नजदीक कोई कामिल ना हो वो दहरिया का जुबान बंद नहीं कर सकते। जिनके नजदीक कोई कामिल ना हो वो दहरिया की जुबान बंद नहीं कर सकते। मगर अहले सुन्नत वल जमात का इश्ते मिंबर कह रहे हैं दहरिया मेरे रसूल का कमाल देख रहा है, तो तस्वीर मोहम्मदी देखो, ऐसा रहमत की रहमत ही रहमत, ऐसा रहमत दुश्मनों के लिए भी रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, मैदान कारगार में जंग कर रहे हैं वहां भी रहमत, जंग कर रहे हैं किसी को ये शिकायत नहीं हुई कि रसूल के नेजा मेरे सीने पे लगा, रसूल का तीर मेरे गले पे पहुंचा, रसूल की तलवार नहीं कमान भी कर रहे हैं, रहमत भी बने हुई है, कमान भी कर रहे हैं, रहमत भी बने हुई है। एक मर्तबा ऐसा वाकया जरूर हो गया था कि जब हुजूर अपने दौलत कदे से निकले, कंकरी फेंकी, काफिरों की आंखों में पड़ी, उनको थोड़ी तकलीफ हुई, अंधे हो गए, सरकार निकल गए, जिस रसूल ने किसी को फूल की पत्ती से न मारा, आज उसने कंकरी फेंक करके आंखों को तकलीफ पहुंचाई, तो सीरत नबविया में एक वाकया तो ऐसा आ गया कि रसूल की जात से लोगों को तकलीफ पहुंची, मगर दोस्तों हमें बोलने का मौका ही ना मिला, हमें बोलने का मौका ही ना मिला, हम सोच ही रहे थे कि वही इलाही आ गई।
देखो इस तस्वीर रसूल मुहम्मदी को देखो खामोश रहूं मैं तो क्यों ही जो कुछ कहा तो तेरा खुश हो गया اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان
اللهم احينا في حياه العلماء وامتنا بموت الشهداء وانشرنا في زمره الاولياء وادخلنا الجنه مع الانبياء اللهم احينا سعيدا وامتنا سعيدا وانشرنا في زمره السعداء اللهم انا نعوذ بفضلك القديم وكونك العظيم ولطفك العميم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمه عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدال والاوتاد اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.